गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस सुबह हो चुकी है, तो सबसे पहले आप लोगों को सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं अभी सुबह से आ गई हूँ टहल के, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। यानी सुबह मैं उठ के सबसे पहले वॉक के लिए जाती हूँ। अभी गर्मी का मौसम है, इसी वजह से मैं चली जाती हूँ थोड़ी सी टहलने के लिए। और उधर प्लेटफॉर्म में ही है महुआ का गाछ, तो कभी कभार टाइम मिल जाता है तो चुन के ले भी आती हूँ। पर आज सोच रही थी कि थोड़ा सा जल्दी घर आके उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम होता है सुबह का सारा काम कर लूँगी। और आज बूथ पर ही जाना था गैस, क्योंकि आज माँ जो होता है मतदाता दिवस वही था, और मार्गदर्शिका भी वितरण करना था गैस। और वहाँ पे जो तिरंगा वाला रंगोली होता है यानी वोटिंग वाला, वो भी बनाना था। इसी वजह से सुबह उठी थी, और सुबह उठ के उसके बाद वॉक में चली गई थी। उधर से आने के बाद चूल्हा वगैरह जला के अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और अगर झाड़ू वगैरह लग जाएगा गाइस उसके बाद अभी जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम कर लूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा बाकी है। अभी तो फर्स्ट में यही आंगन का अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ। सुबह उठी तो चली गई थी वॉक पे, और वॉक पे उधर से आने के बाद आज महुआ वगैरह कुछ भी नहीं चुनी गाइस, क्योंकि आज सुबह ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम करना था, और आज बूथ पे ही जाना था। यानी बूथ पे बहुत ज़रूरी काम था, वितरण भी थी और रंगोली वगैरह भी बनाना था। यानी बहुत ज़्यादा काम था बाहर में भी और घर में भी, इसी वजह से ज़्यादा देर तक मैं टहलने नहीं गई। यानी ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 चक्कर लगाई होंगी और प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद मैं चली आई थी घर। घर आने के बाद चूल्हा जला के उसके बाद इस आंगन की झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो मेरा झाड़ू लग चुका है गाइस, अभी जा रही हूँ मैं थोड़ी सी चूल्हा की लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि चूल्हा लिपाई हो जाता है तो थोड़ा चूल्हा का भी जो लुक होता है अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है मिट्टी का चूल्हा। और इसी वजह से मैं अभी चूल्हा लिपाई कर दे रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और इसमें कोयला डाल दूँगी, तब तक मेरा इसमें आगे आएगा चूल्हा में। उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ी सी अभी घर का भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी अंदर झाड़ू नहीं लगाई हूँ, अभी अंदर का झाड़ू पोछा बाकी है, सिर्फ अभी आंगन का ही झाड़ू लगा है गाइस। तो मेरा अभी चूल्हा की लिपाई कर दे रही हूँ, उसके बाद इसमें कोयला डाल के जा रही हूँ बर्तन वगैरह भी धोना। यानी इतना ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा काम रहता है, और बाहर में भी उतना ही काम रहता है गाइस। अभी हम लोग का भी जैसे मेरे दीदी के घर में शादी वगैरह है, तो छुट्टी भी नहीं मिल रही है कि जाऊँ वहाँ पे, उस वजह से अभी यहीं हूँ। और मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी काम हो जाएगा तो बाहर का भी काम थोड़ा सा जल्दी निपट के थोड़ा सा आज ना छुट्टी वगैरह भी लेने के लिए जाना था, पर आज लग रहा कि नहीं होगा गाइस, क्योंकि ना छुट्टी जल्दी मिलता नहीं है। तो गाइस मेरा चूल्हा का लिपाई हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और कोयला डाल दे रही हूँ, तब तक आगे आएगा इसमें, और उसके बाद मैं जा रही हूँ अंदर से थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह, और अभी राशन का डब्बा भी धोना बाकी है गाइस, क्योंकि ना मंथ में एक बार यानी महीना में एक बार ही डब्बा वगैरह धोती हूँ। जब सारे डब्बे खाली हो जाते हैं मेरे राशन, जब यानी राशन लाना होता है ना गाइस, तो उससे पहले मैं डब्बे को धो देती हूँ, क्योंकि महीना में एक बार ही धोता है। और इधर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ता है हम लोग के यहाँ, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ही डस्ट उड़ता है गाइस, तो ना डब्बे सारे गंदे हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो बर्तन स्टैंड में रखने वाला होता है गाइस वो भी बर्तन भी गंदा हो जाता है। तो गाइस मैं अभी कपड़े को यहाँ पे डाल दे रही हूँ टंगने में, क्योंकि शाम को ही कपड़ा धोई थी, आप लोग तो जानते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग के यहाँ जल्दी पानी चलता नहीं है, और जब चलता है गाइस तो उसी समय में कपड़ा धोने लग जाते, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे सुबह हो, जो भी टाइम हो कपड़ा धोने बैठ जाती हूँ। यानी पानी खुलने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि कब खुलेगा, और ज़्यादा देर तक पानी भी नहीं चलता है, ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट या 30 मिनट ही पानी चलता है गाइस, और उतना पानी में अंदर पीने के लिए भी रखना पड़ता है, और उतना ही पानी में बाहर नहाना धोना और कपड़ा धोना, यानी सारा काम वही पानी से होता है गाइस, और अलग से कोई पानी मेरे यहाँ चलता नहीं है। हफ्ता में लग रहा है 1-2 बार पानी
या 2 से 3 बार ही पानी चलता है, इसी वजह से जब भी चलती है पानी ना तो मैं धोने बैठ जाती हूँ। तो शाम में ही पानी खुली थी तो शाम को मैं कपड़ा धो ली थी, पर ना सूखने के लिए नहीं डाली थी टंगने में, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी गैस, इसी वजह से अभी डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। उसके बाद सूख जाएगी तो दोबर के रख दूँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ी सी घर की झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो गैस अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, यानी अंदर मेरा झाड़ू हो चुका था, सिर्फ बरामदा बाकी है, तो बरामदा का झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगा के उसके बाद बर्तन धो लूँगी गैस, अब बर्तन धुल जाएगा तभी ही पोछा वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बर्तन जो होता है स्टेन गैस वो भी गंदा हो चुकी थी, यानी उसको भी पोछा थोड़ा सा लगाना था, पर वहाँ पे बर्तन वगैरह भी जमा थे, इसी सोच रही थी कि मैं तो पहले बर्तन वगैरह धो लेती हूँ उसके बाद ही पोछा लगाऊँगी। तो गैस मैं अभी यहाँ झाड़ू लगा ले रही हूँ, झाड़ू लगने के बाद थोड़ी सी और काम हो जाती, यानी खाना भी मेरा चढ़ाना था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रही थी गैस क्योंकि नहाना धोना भी था। और गैस सुबह जितना जल्दी काम हो जाता है उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है गैस, से बहुत जल्दी ही धूप आ जाती है तो धूप में और भी गर्मी लगती है, इसके वजह से ना चूल्हे के पास खाना बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ का अल्बेस्टर का घर है गैस, तो ना बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है, और अंदर में रहने से और भी गर्म रहता है, यानी चूल्हा अंदर रखने से और भी गर्म लगने लगती है, इसी वजह से ना सुबह ही सारा काम फटाफट, यानी धूप आने से पहले सारा काम हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है गैस, और धूप आने से पहले नहाना धोना भी हो जाता है तो फ्रेश लगती है। तो देखिए गैस मेरा ना झाड़ू हो गया था बरामदा का, यानी अंदर का सिर्फ पोछा लगाना बाकी था, तभी बर्तन है जो गैस मैं स्टैंड में रख दी, यानी मैं स्टैंड को पोछ दी थी थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज़्यादा अभी इसको नहीं पोछी थी, यानी थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ गंदा था गैस वहाँ पोछा करके, उसके बाद जो बर्तन यहाँ पे धोई थी वो बर्तन अभी सरिया दे रही हूँ, और कुछ बर्तन अभी जूठे हैं क्योंकि यहाँ खाली कर दी हूँ गैस, यहाँ खाली करके थोड़ा सा जो होता है ना बर्तन धो के यहाँ पे रख देती हूँ, तो सारा जो बर्तन का पानी रहता है गैस यहाँ गर जाता है, उसके बाद सारे सूख जाते हैं बर्तन, उसके बाद बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, तो मेरा बर्तन अभी यहाँ पे रख दे रही हूँ, यानी बर्तन मेरा धुल चुका था, उसके बाद खंगाल के रख दे रही हूँ, और ज़्यादा बर्तन नहीं था गैस, आप लोग को पता है कि मेरा जो यहाँ बेसिन है वो बहुत ही छोटा है, यानी जब कम बर्तन रहता है तभी यहाँ पे धोती हूँ, और बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना तो सायरा के पास ही धोती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठ के धोती हूँ, और जगह भी वहाँ पे थोड़ा सा फैलाई है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह है गैस, तो बर्तन वगैरह धोने में दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से ना यहाँ थोड़ा सा ही बर्तन रहता है तभी मैं यहाँ पे धोती हूँ, और नल वगैरह भी यहाँ नहीं है तो दिक्कत होती ही है, सिर्फ यहाँ पे बाल्टी इसी वजह से रखती हूँ गैस, यानी थोड़ा बहुत बर्तन रहता है तो धो लेती हूँ, जैसे चाय वगैरह का या नाश्ता वगैरह का। तो गैस मेरा बर्तन धुल चुका है, उसके बाद मैं राशन का डब्बा भी धो दे रही हूँ, यानी बहुत सारे डब्बे थे गैस और सारे राशन ख़त्म हो चुके थे, यानी जब डब्बा खाली हो जाता है तब मैं सारे डब्बों को, यानी महीना में एक बार धो देती हूँ राशन, रखने से पहले सारे डब्बे को धो के उसके बाद सुखा के तभी राशन रखती हूँ गैस। तो आज सोच रहे थे कि अभी टाइम है आंगनबाड़ी जाने में, तो तब तक मैं डब्बा वगैरह धो लेती हूँ, और सारे डब्बे धुल जाएंगे उसके बाद पोछा वगैरह लगा के, और तब नहा धो के जाऊँगी। तो गैस अभी डब्बा वगैरह धो ले रही हूँ, डब्बा धुल जाएगा उसके बाद इधर खाना भी चढ़ा हुआ था मेरा, यानी दोनों चूल्हा में चढ़ा देती हूँ खाना गैस, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी होता है बनाना सुबह में, और सुबह खाना बन जाता है गैस तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे बाहर जाती हूँ गैस तो टेंशन लगी हुई रहती है कि खाना भी अभी जाके बनाना है, पर ना इसी वजह से मैं सुबह ही उठती हूँ ताकि मेरा सारा काम निपट जाए, उसके बाद ही आराम से कहीं भी जा सकूँ। तो देखिए गैस मेरा डब्बा अभी इधर का धुल चुका है, जो डब्बा में अभी कुछ बाकी है गैस वो भी थोड़ा सा थाली वगैरह में रख के धो ले रही हूँ, यानी सारे डब्बे एक साथ ही धो ले रही हूँ, फिर नहीं तो फिर बाद में थोड़ा बहुत और धोना पड़ जाएगा, इसी वजह से जो खाली हो चुका है उसको उस सारे डब्बे को धो ली हूँ, उसके बाद जो बचा है गैस यानी जो बाकी बचा हुआ डब्बा है वो यानी मिर्च वगैरह का डब्बा वो भी खाली करके धो ले रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे खाना वगैरह भी चढ़ा था, यानी दाल चढ़ा दिए थे कुकर में, और
उसमें भात भी चढ़ा हुआ था दूसरे चूल्हे में गैस। तो ये चीनी का डब्बा है और चीनी थोड़ा सा बचा हुआ था डब्बा में, इसी वजह से मैं कटोरा में रख के इस डब्बे को भी साफ़ कर दूँगी, यानी डब्बा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसमें पोछा पोछ के डब्बा को, उसके बाद राशन वगैरह फिर से भर के रख देंगे। यानी जो होता है गैस, यानी महीना में मैं एक बार डब्बा वगैरह धो ही देती हूँ, क्योंकि ना हाथ से ही गंदा हो जाता है, क्योंकि डब्बा हाथ से पकड़ के नीचे उतारना फिर उससे निकालना, यानी जो हाथ से पकड़ते पकड़ते ही डब्बा गंदा हो जाता है गैस, तो ख़राब लगता है, यानी दागी टाइप का हो जाता है, तो बहुत ही ख़राब लगता है। इस वजह से मैं सारे डब्बे अभी धो ले रही हूँ और खाना भी चढ़ाने, मेरा सारा काम एक साथ ही हो जाता है। अगर सुबह उठती हूँ तो ना 8 बजते मेरा सारा काम हो जाता है। और आज आंगनबाड़ी नहीं जानी थी, आज तो बूथ पर ही जाना था गैस, क्योंकि एक पर्ची आया हुआ है मार्गदर्शिका गैस, वो भी वितरण करना है वहाँ पे वोटर लोग को, और वहाँ पे जो होता है इलेक्शन वाला गया रंगोली वो भी बनाना था। यानी आज बूथ पे वही प्रोग्राम था गैस, इसी वजह से आज थोड़ा सा फटाफट सारा काम कर रही थी। तो देख सकते हैं गैस, मेरा ना बर्तन वगैरह भी धुल चुका और सारे डब्बे भी धुल चुके, और एक दो डब्बा अभी बाकी है नमक वगैरह का, वो थोड़ा सा आऊँगी उधर से अगर टाइम मिलेगा तो और भी धो लूँगी गैस। आप लोग देख सकते हैं अभी डब्बा वगैरह बाकी है और कुछ डब्बे बाकी थे धोना, पर उधर से आने के बाद ही धोंगी, क्योंकि समय हो जाता है गैस, जितना सुबह उठती हूँ फिर भी टाइम हो जाता है मेरा, यानी काम करते करते, क्योंकि सुबह का काम इतना ज़्यादा रहता है कि टेंशन हो जाती है गैस। तो मेरा दाल भी हो चुका और इसी वजह से मैं जल्दी खाना बनाने के चक्कर में कुकर में ही दाल चढ़ाई थी और उसमें आलू डाल दिए थे सब्जी के लिए, तो मेरा दाल भी हो चुका है। अब दाल उतार के उसके बाद यहाँ जो मिर्च का होता है छौंका गैस, छौंका लगा दूँगी, और आलू का सब्जी बनाने वाली हूँ, चोखा नहीं, तो अभी चढ़ा दी हूँ कलछुला, कलछुले में तेल डाल दे रही हूँ गैस, अब मिर्च का ही छौंका लगा दें, और दाल छौंका लगा हुआ रहता है तो अच्छा भी लगता है खाने में भात के साथ में, इसी वजह से मैं अभी मिर्च डाल दे रही हूँ गैस और आलू वगैरह छिल के उसके बाद सब्जी बना दूँगी। यानी मेरा जो होता है पोछा वगैरह सारा, बर्तन वगैरह सारा मेरा काम हो चुका था, सिर्फ खाना बनाना बाकी था गैस। उसके बाद खाना भी मेरा तैयार ही हो चुका है लगभग, क्योंकि मेरा भात तो हो चुका था और दाल बाकी था, तो दाल भी मेरा हो चुका है गैस, और दाल में ही आलू डाल दिए थे। यानी जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में दाल उसी में आलू डाल दिए, तो मेरा तो आलू भी यानी सीझ चुका है, उसके बाद इसका सब्जी बना लेंगे गैस। तो मेरा छौंका लग चुका है और अब आलू को छील के उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ गैस, और सब्जी वगैरह बन जाएगा उसके बाद नहा धो के उसके बाद थोड़ी सी जाऊँगी बूथ पे। तो देखिए गैस, मेरा खाना वगैरह बन चुका, उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ बूथ पे जाने के लिए, और कुछ कपड़े दिए थे सूखने के लिए गैस, वो भी उतार के थोड़ी सी अंदर करना है और अंदर हो जाएगा, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, क्योंकि अभी खाना वगैरह खाई नहीं हूँ गैस, सुबह नहीं खा पाती हूँ उतना, क्योंकि टाइम हो ही जाता है जाने के लिए, इसी वजह से मैं उधर से आने के बाद ही खाती हूँ। तो देख सकते हैं गैस, यही है मार्गदर्शिका, इसी का वितरण करना, और ये है रजिस्टर, और जो रजिस्टर में जो अथी है गैस लोगो, वही लोगो बनाना है रंगोली, उसी का लोगो बनेगा, तो यही वितरण करना है गैस। मेरा ना 600+ वोटर है, उसी को वितरण करनी है, और इसमें क्या लिखा है सारा चीज़ पढ़ के बताना है, यहाँ की वोटर वोटिंग करने के लिए क्या क्या लेके जाना है, वही हिसाब से इसमें दिया हुआ है, यही वितरण करना है गैस। तो इसी वजह से मैं तैयार हो चुकी हूँ, तैयार हो के थोड़ी सी जो होता है पेपर गैस लेके जा रही हूँ, यानी पर्ची है इसमें लेके जा रही हूँ, वहाँ पे वितरण करूँगी, और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी वहाँ शूट होगी। तो गैस अभी निकल रही हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ी सी स्टॉल ले लूँगा गैस, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बहुत ही धूप है, तो माथा वगैरह गर्म हो जाता है गैस, इतना कड़ा धूप, और एक तो गर्मी भी है और इतना कड़ा धूप, और ऊपर से ये पैदल आना जाना, और मेरा बूथ भी है थोड़ा सा दूरी पर है गैस, तो पैदल आना जाना यानी सर में दर्द हो जाती है, क्योंकि धूप में आना जाना बहुत दिक्कत होती है, और वैसे हस्बैंड रहते हैं घर में गैस, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, हस्बैंड पहुंचा देते हैं गाड़ी से, पर हस्बैंड ड्यूटी पर रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है, पैदल ही आना जाना होता है। तो देखिए गैस, मैं आ गई हूँ बूथ पे और अभी बना ले रही हूँ रंगोली, और जो मेरा रजिस्टर में लोगो था गैस, वही लोगों का
यहाँ पे रंगोली बनेगा। और यहाँ वाली एगो दीदी है तो उसको बता दी थी कि किस तरह से बनाना है, तो दीदी भी थोड़ा सा हेल्प कर दे रही है। यानी हम लोग दोनों मिल के ही रंगोली बना रहे हैं। दीदी पूछ रही थी कि किस तरह का रंगोली बनाना है, तो उस तरह से हम लोग बता दिए कि तिरंगा टाइप का बनाना, जो तिरंगा हमारे देश की होती है गैस, उस तरह से बनाना है। और वही हमारी जो है लोगो है, यानी जो होता है इलेक्शन वाला लोगो, वही है गैस इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो वही हमारी तिरंगा झंडा बन रही है। तो बीच में वाइट तो है गैस और हरा भी है, पर ना नौरंगी की भगवा कलर की जगह में गुलाबी है, पिंक मिल गया है। यानी अबीर जो है गैस रंगोली बनाने के लिए नौरंगी टाइप का मिला नहीं था, यानी गुलाबी अबीर मिला था, इसी वजह से गुलाबी वाला ही बना दे रही हूँ। और अभी सारे लोग आए नहीं हैं और तब तक मैं यहाँ पे रंगोली बना दे रही हूँ हम लोग दोनों मिल के, उसके बाद सारे लोग आएंगे तो यहीं पे वितरण होगा और यहीं पे फ़ोटो वगैरह जो भी होगा सारा चीज़ इसी बूथ पे होगा। उसके बाद यहाँ का जो हो जाएगा कार्यक्रम गैस, उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी सी फील्ड में थोड़ा सा वहाँ पर वही मार्गदर्शिका भी बांटना है। पर सबसे पहले हम लोग का यही काम था, ऊपर से ऑर्डर था कि यही लोगो बनाना है तिरंगा वाला, और इसी वजह से यहाँ देख सकते तिरंगा का हम लोग का झंडा बन चुका है। और तीन ठो जो चिन्ह है गाइस वाइट वही लोगो है, और वही बनाने के लिए ऊपर से ऑर्डर था हम लोगों को, तो हम सारे लोग आ चुके थे यहाँ पे, तो मैं सारे लोग को बांट दी हूँ मार्गदर्शिका। उसके बाद हम लोग फ़ोटो भी यहाँ शूट हो रही है और यही फ़ोटो यहाँ पे डालना भी है, इसी वजह से फ़ोटो भी यहाँ के लोग खींच रहे थे और यही मेरा आज का काम हो चुका है। उसके बाद सिर्फ बचा है गाइस मार्गदर्शिका वितरण करने का, जो मेरा फर्स्ट काम था ये मेरा हो चुका है रंगोली वाला। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, रंगोली था गाइस तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो सारे लोग को बांट के उसके बाद कुछ लोग उठ के यहाँ से चले गए। तो गाइस मेरा काम हो चुका है यहाँ पे बूथ पे, उसके बाद मैं जा रही हूँ घर। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।